Hello students, good morning. Welcome back to our online class. Today's turn is of English literature and we'll start with chapter number 5, Loose Tooth. In this chapter, actually it's a poem. ये एक poem है और जैसा कि heading से लिखा है loose tooth. Tooth means दांत और loose मतलब ढीला या हिलता हुआ. तो किसी एक boy की story poem है ये जिसका एक दांत हिल रहा है. Okay, first of all, we'll read the poem, we'll do the explanation, and on the basis of the explanation, we'll do the exercises. Okay, now let's start. First paragraph, my big front tooth is very loose, and I am feeling kind of blue. I lost the one right next to it, and now I'll soon be missing two. फर्स्ट पैराग्राफ में जैसा कि लिखा है हम एक एक लाइन करके एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट लाइन में लिखा है माय बिग फ्रंट टूथ इज़ वेरी लूज. पोएट कह रहा है कि मेरे सामने का जो बड़ा दांत है इज़ वेरी लूज, वो बहुत हिल रहा है. एंड आई एम फीलिंग काइंड ऑफ ब्लू, और मुझे ब्लू, यहाँ पे ब्लू की मीनिंग है फीलिंग सैड. ब्लू BLUE, वैसे ब्लू इज़ अ कलर, लेकिन पोएम में ब्लू की मीनिंग दे रखी है फीलिंग सैड, और जो पोएट है वो बहुत ही सैड फील कर रहा है. आई लॉस्ट द वन राइट नेक्स्ट टू इट एंड नाउ आई सून बी मिसिंग टू. वो कह रहा है कि मेरा ऑलरेडी इसके बराबर में एक दांत टूट चुका है और बहुत ही जल्दी वेरी सून आई विल बी मिसिंग टू, और मेरे बहुत ही जल्द दोनों दांत टूट जाएंगे. Next paragraph, the one who thinks it's so funny is my big brother Billy Bob. He told mom tonight for dinner that we should have corn on a cob. Second paragraph, line by line लिखा है. First line है the one who thinks it's so funny, और poet बात कर रहा है कि एक वो जिसको बहुत ज़्यादा ये funny लग रहा है is my big brother Billy Bob, और वो कौन है, मेरा बड़ा भाई बिली बॉब. ही टोल्ड मॉम टू नाइट फॉर डिनर, उसने मम्मी को डिनर में बोला है दैट वी शुड हैव कॉर्न ऑन अ कॉब. कॉर्न ऑन अ कॉब मीन्स कॉर्न, कॉर्न सबको पता है क्या होता है, भुट्टा. तो उसने मम्मी को डिनर में कहा है लेट्स हैव कॉर्न, हम कॉर्न खाते हैं. कॉर्न पता है हम कैसे खाते हैं, हम उसको हाथ में पकड़ के डायरेक्ट अपने टीथ से बाइट करते हैं तब हम कॉर्न खाते हैं. तो वो उसकी मजाक बना रहा है, जो बिली बॉब है ही इज़ द एल्डर ब्रदर, तो वो अपने यंगर ब्रदर की मजाक उड़ा रहा है, फनी वे में ले रहा है कि उसके दोनों दांत हिल रहे हैं या टूट गए हैं. ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ, विश आई वर अ लिटिल बिगर देन आई'ड मेक बिली बॉब फील ब्लू. He'd stop thinking it was funny. He'd be missing a tooth or two. Last paragraph में जो poet है वो सोचता है कि I wish I were a little bigger. काश मैं थोड़ा सा बड़ा होता. Then I'd make Billy Bob feel blue. तब मैं Billy Bob मतलब अपने बड़े भाई को blue feel करवाता. यहाँ पे blue की meaning दे रखी है sad. Sad feel करवाता. He'd stop thinking it was funny. और वो ना सोचना बंद कर देता कि ये बहुत funny चीज़ है. अगर किसी के दांत में दर्द है तो ये बहुत हंसी की चीज़ है. He'd be missing a tooth or two. ताकि मैं उसको ब्लू फील करवाता, सैड फील करवाता, और उसको ये फील करवाता कि ये फ़नी नहीं है और उसका एक दांत या दो टूट जाते. मतलब अगर मैं थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं अपने भाई के दोनों दांत या एक तोड़ देता. वो इस तरह से उसको फील करवाता कि ये फ़नी नहीं है, इट्स रियली पेनिंग. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोयम, पोयम एक स्टोरी है एक बॉय की जिसके आगे के दोनों दांत हिल रहे हैं, एक दांत टूट चुका है और एक दांत जल्द ही टूटने वाला है. उसका जो बड़ा भाई होता है बिली बॉब, वो उसकी मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे तो दांत टूट गए हैं, और मैं मम्मी से डिनर में कहता हूँ कि वो कॉर्न बनाए मतलब भुट्टा बनाए. तो जो पोएट होता है, जो बॉय होता है, वो सोचता है कि काश मैं थोड़ा सा बड़ा होता, देन आई'ड मेक बिली बॉब फील ब्लू, मैं उसको बुरा फील करवाता, और काश उसके एक या दो दांत टूट जाते तो उसको समझ में आता कि ये इतना फनी नहीं है. Okay students, it's a short and a nice poem. Now on the basis of the poem, we'll do some exercises like word power, like fill in the blanks, tick the correct
ट्रू एंड फॉल्स एंड सम क्वेश्चन आंसर्स. ओके, लाइक फर्स्ट वन इज वर्ड पावर, मीन्स वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वर्ड इज ब्लू. ब्लू की मीनिंग है फीलिंग सैड. ये पोएम के हिसाब से ब्लू की मीनिंग है. द नेक्स्ट इज कॉर्न ऑन अ कॉब. अ कुक्ड मेज ईटन डायरेक्टली फ्रॉम कॉब, मतलब डायरेक्टली भुट्टे को अपने टीथ से बाइट करके खाना. देन नेक्स्ट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे 1, 2, 3 वर्ड सेंटेंसेस दे रखे हैं और उनके 4 ऑप्शंस हैं. ये आपको लर्न करने हैं एग्जाम के लिए. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आपको लर्न करने हैं. लेट्स सी, टेक द करेक्ट ऑप्शन. द पोएट हैज़ अ लूज डैश बेल टूथ बाइक बटन. द पोएट हैज़ अ लूज टूथ. नंबर 2, द पोएट इज फीलिंग डैश बिकॉज ऑफ इट. Options are happy, excited, sad, comfortable. The poet is feeling sad because of it. उसको बुरा लग रहा है. Third one, the dash of the poet suggest corn cob for dinner. Poet के किसने suggest किया? Brother, father, sister, mother. Brother ने. Next question is, state whether the following statements are true or false. आपको बताना है कि ये जो statement दे रखी है वो true है या false है. द फ्रंट टूथ ऑफ द पोएट इज लूज. पोएट का जो फ्रंट टूथ है वो लूज है. यस, इट्स ट्रू. नंबर 2, ही लॉस्ट 2 टीथ बिफोर. उसके पहले से 2 दांत टूटे हुए हैं. दिस इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ पहले से 1 दांत टूटा है और 1 हिल रहा है. नंबर 3, हिज ब्रदर टीजेज हिम अबाउट हिज टूथ. उसका भाई उसको टीज कर रहा है. टीज मतलब परेशान कर रहा है. दिस इज ट्रू. फोर्थ वन, द पोएट विशेज दैट ही वॉज अ लिटिल ओल्डर. पोएट विश करता है कि काश वो थोड़ा सा बड़ा होता. इट्स ट्रू. लास्ट, द पोएट हैज़ टर्नड ब्लू. पोएट जो है वो टर्नड ब्लू, मतलब ब्लू फील कर रहा है. फीलिंग सैड, सैड फील कर रहा है. एंड इट इज़ ट्रू. नाउ द चैप्टर इज़ डन. यू हैव टू लर्न द वर्ड मीनिंग्स, टेक द करेक्ट, ट्रू एंड फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. ओके स्टूडेंट्स.